सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट से गठबंधन से बसपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष इमरान लतीफ और प्रदेश प्रवक्ता जिला प्रभारी नीलम यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की दोनों नेताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन आम आदमी पार्टी कर रही है। यूपी की 80 सीटों में से 75 पर आम आदमी पार्टी सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है। देश में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी की जो 75 लोकसभा सीटें हैं वहां पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को सपोर्ट किया जाए। आज हम लोग सिद्धार्थनगर में हैं, कल बस्ती में गठबंधन के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मकसद ये है, पार्टी ने यह निर्णय इस वजह से लिया है कि पिछले 5 सालों से देश में एक फांसीवादी सरकार काम कर रही है जिसने अपने हर निर्णय के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का काम किया है। जितनी भी स्वायत्त संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उनका दुरुपयोग करने का काम किया है। तो एक काला समय देश में देखा गया, जिस अदालत के सामने जनता इंसाफ मांगने के लिए जाती है, नेता इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं, वो अदालत और वो अदालत नहीं, उसकी सबसे सुप्रीम इकाई सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम 5 जज देश की जनता की अदालत के सामने इंसाफ। यहाँ की सबसे पहले मैं यहाँ प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, बट ये सिद्धार्थनगर की मैं प्रभारी भी हूँ और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हम लोगों ने महागठबंधन का सपोर्ट किया है और ऐसे ही हर जिले में जहाँ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है वहाँ हम लोग गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। और हम लोग श्री आफ्ताब आलम डुड्डू भाई का पूरे तन मन धन से हमारे जिले की इकाई लगी रहेगी, पूरा परिश्रम करेगी ताकि ये भारी मतों से विजयी हो। गठबंधन का ही सपोर्ट क्यों? क्योंकि हमारे पास गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा की नीतियां पूरा देश जानता है, भाजपा ने आज क्या किया है देश के साथ, कितनी बड़ी गद्दारी की है देश के साथ, ये किसी भी पूरे मतलब किसी भी जनता से छुपी नहीं है। कोई भी प्रदेश हो, देश हो, आप यहाँ तक फॉरेन कंट्री में भी पता चल गया है कि हाँ नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर रहे हैं भारत में। हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। आज आप देखिए उनका ही विधायक उन्नाव में महिला का शोषण करता है, उसके पिता को मार दिया जाता है, लेकिन प्रशासन क्या करती है? जब हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हमारा युवा जो बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरी की उन्होंने वादा किया था वो कहाँ गए सारे? कितने जुमले उन्होंने दिए हम लोगों को, जनता को कितना गुमराह किया गया। तो हमारे पास विकल्प क्या है? कांग्रेस को पहले भी देखा गया था और आज भी जनता कोशिश में